तम जाम बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये बहुत इजीली बन जाता है। तो मार्केट में सीजन रहता है तो बहुत अच्छा से बना सकते हैं। तो इसको बना के और स्टोर करके भी लंबे टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव, कोई कलर्स नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हेलो चैनल फ्रेंड्स, को। आज मैं जैम बना रही हूँ, तो होम मेड जैम है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा बनता है। आप लंबे टाइम तक इसको रख सकते हैं और इसमें ज़्यादा ये कुछ कॉर्नफ्लोर भी नहीं डालना है। देखिए कितना अच्छा जैम बना है। कलर भी जो है सो इसका नेचुरल कलर है तो बहुत अच्छा जैम बनता है। अभी प्लम्स का सीजन है तो आप लोग मंगा के बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं बनाने का तरीका दिखा रही हूँ दोस्तों। मैं प्लम्स का जैम बनाने के लिए 1 किलो मैं पका हुआ जो है, कच्चा आधा कच्चा भी हो तो भी चलेगा, बहुत अच्छा जैम बनता है। तो मैं 1 किलो प्लम्स लिए हैं और इसके बाद जो है सो ये शक्कर है, 300 के लगभग शक्कर है। आपको जितना कम ज़्यादा मीठा करना हो, क्योंकि ये इसका टेस्ट जो है सो खट्टापन इसके अंदर होता है। और अगर कच्चा टाइप का रहेगा तो ज़्यादा खट्टा रहेगा, तो आप ज़्यादा शक्कर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है सो ज़्यादा उतना खट्टा नहीं है, इसलिए मैं 300 ग्राम के लगभग शक्कर यूज कर रही हूँ। आप लोग अपना मिठास जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से करें चीनी का यूज। और ये कितने लोगों को खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप शक्कर कम डालेंगे तो खटास के अंदर ज़्यादा रहेगा। और ये सिनामोन स्टिक है, अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आप सिनामोन यूज करेंगे। तो अब मैं इसको सबसे पहले गर्म पानी में धो लेना है, क्योंकि ये मार्केट का है, इसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह रखे होंगे, इसलिए मैं हल्का वार्म वाटर ली हूँ। और इसको अच्छे से इसको मसल मसल के धो देना है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, नहीं तो ये इसके अंदर का जो है ये छिलके का जो है सब कलर निकल जाएगा। तो इसलिए हल्का वार्म वाटर इसको इसे धो देना है। तो सारे प्लम्स को चाकू के सहायता से काट लेना है और इसका शीर्ष को हटा देना है। इसके अंदर जो बीज होते हैं शीर्ष, इसको फेंक देना है। तो ये सारे प्लम्स को मैंने शीर्ष हटा के काट लिए हैं। तो ये शीर्ष हटा के इसको काट के और इसको जैसे टमाटर का प्यूरी बनाते हैं पेस्ट, वैसे इसको मिक्सी में पीस देंगे। कढ़ाई में शक्कर डाल के और इसको चाशनी जैसा बनाना है। थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है, या आप डायरेक्ट इस प्लम के जूस को भी डाल सकते हैं पेस्ट को। और इसी शक्कर जब डालते हैं तभी उसी टाइम में इसमें दालचीनी का स्टिक डाल देंगे, सिनामोन स्टिक जो है उसको भी डाल देना है। अब ये हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्लम का जो प्यूरी बनाई हूँ उसको डाल देना है। इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ आप मिक्सर ग्राइंडर का पॉट को अच्छे से थोड़ा पानी डाल के पखार के धो के इसको डालना है। इसको अच्छे से चलाते रहना है। अगर मोटा तले का कढ़ाई होगा तो चिपकेगा नहीं, अगर पतला तले का है तो चिपकने का डर रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से मिलाते रहना है। तो दोस्तों इसको मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकाना है और अच्छे से ये ठीक हो जाएगा।
फिर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा कलर होते जा रहा है इसका। ओरिजिनल कलर जो है ये जितना इसमें उबाल आएगा उतना इसका कलर जो है सो रेड होते जाएगा। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, और बिना प्रिजर्वेटिव का ही ये बहुत दिन तक रहेगा। कितना महीना भी रखेंगे उतना महीना फ्रिज के अंदर रखा रहता है। तो एकदम से कलरफुल हो गया है, ये नेचुरल कलर है। और ये और थिक थोड़ा बनाना है इसको, ठंडा होने के बाद ये जैम अपने आप जम के मार्केट जैसा हो जाता है। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट का पल्प है। हेल्दी भी है। अगर आप लोगों को सॉल्ट देना हो तो एक पिंच सॉल्ट डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो, अगर डालना हो तो एक पिंच नमक डाल सकते हैं। इसको और थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, अभी ये पतला है। तो दोस्तों अब ये तैयार हो गया है जैम, 15 से 20 मिनट में अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये परफेक्ट प्लम जैम तैयार हो गया। अब गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में सुखा के अच्छा से, जो कंटेनर में डालना है आपको उसको अच्छे से साफ करके और पानी सुखा के उसमें डालना है, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इसके अंदर जो सिनामोन स्टिक दिया हुआ है वो आप हटाना चाहे तो हटा दें या रखें इसी में, डब्बा में बंद करके ही रख सकते हैं इसको भी। प्लम का जैम ठंडा हो गया, उसके बाद मैं डब्बा में रख दी हूँ। देखिए कितना अच्छा हो गया है, एकदम से गाढ़ा मार्केट जैसा लग रहा है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं दिया हुआ है। आप ब्रेड में जैम लगा के आपको जब मन हो तब बच्चे को दे सकते हैं या बड़े भी खा सकते हैं। देखिए थोड़ा भी देखने में नहीं लगता है कि ये होममेड जैम है, मार्केट जैसा लग रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, प्लीज़ 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 आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।